नमस्कार साथियों, पिछले 3 महीने से देश का 62 करोड़ अन्नदाता किसान और खेत मजदूर आंदोलित है। गांधीवादी और शांति प्रिय तरीके से पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत दिल्ली आ रहे देश के लाखों किसानों को मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने और आदित्यनाथ की सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर पर रोक रखा है। सड़कें खुदवा दी गई, वाटर कैनन और लाठियां और अश्रु गैस चलाई गई। 46 दिन के अंदर 65 किसान कुर्बानी दे चुके। हाड़ कपकपाती सर्दी के अंदर, बारिश और ओलों के अंदर भूखे प्यासे किसान न्याय की गुहार लगा रहे देश की राजधानी के बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। और आज देश के उच्चतम न्यायालय, देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर गहरी नाराजगी जताई है और वार्ता की विफलता पर निराशा भी जताई है। हालात ये हो गए हैं इस देश में कि देश की सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को ये कहना पड़ा कि अगर तुमसे नहीं होता तो हम कानून स्टे कर देते हैं। इससे बड़ी नाकामी, इससे बड़ी विफलता, इससे बड़ा नकारापन, इससे ज्यादा जिद और अहंकार शायद 73 साल में किसी सरकार के साथ नहीं हुआ होगा। मोदी जी अब भी समय है कि जाग जाइए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगा दी, आपकी नाकामी पर मोहर लगा दी, वार्ता की विफलता पर निराशा जता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आकर इस देश से माफी मांगनी चाहिए, देश के किसान और अन्नदाता से माफी मांगनी चाहिए और तीनों कानून खत्म करने की घोषणा करनी चाहिए। देश के किसान की केवल एक मांग है, कोई दूसरी मांग नहीं, तीनों काले कानून खत्म करिए। और प्रधानमंत्री जी, इससे कम देश के किसान को कुछ मंजूर नहीं। जब मोदी सरकार खुद कानूनों में 18-18 संशोधन करने को तैयार है तो साफ है कि ये कानून गलत है। अगर ये कानून गलत हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार इनको निरस्त करने, इनको खारिज करने की घोषणा करने से गुरेज क्यों कर रही है? प्रधानमंत्री जी, क्या पूंजीपतियों के सिक्कों की खनक के आगे इस देश की सरकार का जमीर अब बिक गया है? सवाल ये है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, हम ये मांग करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री सामने आए, अपना नकाब उतारें, अपना राजहट छोड़ें, पूंजीपतियों का पल्लू छोड़ें, किसानों का दामन पकड़ें, किसानों के आंसू पोंछें और फौरी तौर से प्रधानमंत्री आगे आकर इन तीनों काले कानूनों को खारिज करने की घोषणा करें। और अब सीधे प्रधानमंत्री उसके बाद देश के किसान संगठनों से, जो आंदोलनकारी हमारे किसान भाई बैठे हैं लाखों की संख्या में दिल्ली की सीमा पर, प्रधानमंत्री माफी मांगकर 60 किसानों को श्रद्धांजलि देकर, 65 किसानों को श्रद्धांजलि देकर सीधे उनसे वार्तालाप करें कानून खत्म करने के बाद। ये हमारी मांग है।